ये शरीर तो स्थूल है, ये संसार भी स्थूल है, लेकिन इस स्थूल से दिव्य की यात्रा करनी होती है। ये शरीर स्थूल है पर भगवान स्थूल नहीं है, स्थूल से दिव्य की यात्रा करनी होती है। अगर मन प्राण केवल स्थूल में ही पड़े रहते हैं तो दिव्यता का अनुभव नहीं होता। ये सारी सृष्टि तरंग में है, तरंग में है कि नहीं है? अभी यहां से अमेरिका फोन मिलाइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी मिलेगा। तो यहां से लेके अमेरिका तक तार बिछे हैं क्या? नहीं, तो कैसे बात हो जाएगी? अजी वीडियो कॉल का जमाना है, हम उनको देख लेंगे, वो हमको देख लेंगे, वो सात समुंदर पार कैसे देख लेंगे? वाइब्रेशन, तरंगे, हमारे मोबाइल की तरंगे उसके मोबाइल की तरंगों से जुड़ जाएंगी, वो सात समुंदर पार हमारी बात सुन लेगा, हम उसकी बात सुन लेंगे, वो हमको देख लेगा, हम उसको देख लेंगे। तरंग, अच्छा तरंगे कहीं दिखाई पड़ रही है क्या यहाँ? नहीं, तो फिर ये माने दिखाई तो नहीं दे रही, तो माने की है ही नहीं। अरे कैसे ना माने हैं, तभी तो बात होती है। तो जैसे दूरभाष की तरंगे व्याप्ति हैं, रेडियो की तरंगे व्याप्ति हैं, ऐसे इस सृष्टि में भगवदीय तरंगे भी व्याप रही हैं। महापुरुषों की तरंग व्याप रही, लीला की तरंग व्याप रही, धाम की तरंग व्याप रही, पर हमारी सुई किस स्टेशन पे लगी है? छोटेपन में रेडियो बजते थे ना, तो रेडियो की सुई मिलानी पड़ती थी। इस स्टेशन पे मिलाए तो गाना बजेगा, इस स्टेशन पे मिलाए तो समाचार आ जाएंगे। किसी किसी का रेडियो खराब होता था, वो सुई अटक जाती थी तो घड़ 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 शब्द आता था। और सुई ठीक स्टेशन पे लग जाए तो रेडियो के भीतर गाने बजाने वाले नहीं बैठे, वो सुई मिलते ही वो यंत्र उन तरंगों को पकड़ने योग्य हो जाता था, वही गीत बजने लगता था। हमको भी ठाकुर मन रूपी रेडियो दिए हैं, वृत्ति रूपी सुई है बंधुओं। संसार वाले स्टेशन पर लगाए रखेंगे तो निंदा स्तुति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर दर्द फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जिस दिन इस मन वाली सुई को गुरु शरणागति रूप वाले स्टेशन पे लगाए, भगवान नाम रूप वाले स्टेशन पे लगाए, तो वहां की दिव्य वाणी, वहां का दिव्य प्रेम, वहां का दिव्य रस इतना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, मन प्राण भीग जाएंगे, ये जीवन सफल हो जाएगा। रहना घर में ही है, बाबा जी नहीं बनना, घर छोड़ के भागने की बात नहीं हो रही। अरे गोपिकाओं को भागवत जी में सबसे ऊंचा भक्त कहा गया है, गोपांगनाओं की चरण रज को भोलानाथ माथे पर धारण करने को कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे गोपियों की चरण रज मिल जाए तो माथे पे लगाऊं। वे गोपियां तो गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, घर में काम करने वाली हैं, बाल बच्चों के बीच रहने वाली हैं, गैया का दूध काढ़ना, गोबर उठाना, जल भरना, यही सब काम करती हैं। वो इतनी ऊंची भक्त कैसे हो गई कि शंकर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं? कारण यही है, घर गृहस्थी में रहकर कन्हैया को ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम।